नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माउंटेन फैमिली में। तो आज मुझे जाना पड़ रहा है अद्विका वगैरह को, आप वगैरह को छोड़ के इनको नहीं ले जाऊंगा अपने साथ, बिकॉज हम जाने वाले आज काफ़ी दूर और काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पे। हाय, तो आज जाएगी वी क्रॉस। तो वी क्रॉस ले जाने का मतलब यही है कि वहां पे स्लिपरी होगा रोड, स्नोफॉल स्नो हुई होगी तगड़ी वाली, ब्लैक आइस जमी होती है यार, तो इसलिए 4x4 गाड़ी ले जाना ज्यादा सही रहता है एज कम्पेयर टू सिंपल। रिस्क क्यों लेना फालतू में, 200-400 रुपए के तेल ज्यादा ही लगेगा इसमें, पर कम से कम सेफ्टी तो 10 गुना ज्यादा होगी ना। तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं जेरी। जेरी निकलेगी, जेरी पूजड़ है, जेरी पहुंचने वाले। हाँ, तो जेरी पहुंचने वाले हैं और चलिए तब तक व्यू देखिए आप पार्वती वैली का, कुछ इस तरह का खूबसूरत व्यू। और मुझे लगता है यहाँ पे कुछ दुर्घटना घटी है आगे, जिसके कारण ये ट्रैफिक लगा है। कल परसों की न्यूज़ ये भी थी कि जेरी में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। अब आई डोंट नो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, सॉरी गाड़ी ब्लास्ट हुई है, उसके अंदर क्या था फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी आई नहीं है। अगर बॉम्ब ब्लास्ट होगा, इन केस होगा, तो फिर हमारे लिए ये बहुत सोचने वाली बात है। तो फ्रेंड्स, अभी जब हमने ऊपर माहौल देखा तो भाई इतने पुलिस वाले, लगभग ज़्यादा नहीं 100-150 पुलिस वाले थे यहाँ पे, उसकी छानबीन हो रही है। बॉम्ब ब्लास्ट तो ऐसा कह रहे हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, आई डोंट नो। पर जैसे गाड़ी की हालत देखी मैंने, मुझे लगा नहीं कि ये बॉम्ब ब्लास्ट का काम है, हो सकता है बॉम्ब ब्लास्ट, पर यूँ हो चुकी है इकट्ठा बिल्कुल। अगर बॉम्ब ब्लास्ट हुई तो बहुत घबराने की बात है हमारे कुल्लू वैली वालों को, बट मुझे लगता है शायद अगर सिलेंडर की बात है तो वैसा कुछ हो सकता है, मीन्स अगर वो गैस सिलेंडर पे चल रही होगी तो वो फट सकता है, तो वो पॉसिबल था। मणिकरण, सुना होगा आपने, उधर देखिए शिव मंदिर, ये है राम मंदिर, और दूसरी साइड जो उधर शिव मंदिर के साथ है वहां है गुरुद्वारा। तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं बरशैनी, और लुक एट द व्यू यार, क्या खूबसूरत व्यू है सामने का, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। चारों तरफ स्नो ही स्नो। तो फाइनली पहुंच चुके हैं बरशैनी गांव। तो यहां से ऊपर गांव है, पीछे भी देख सकते हो आप उधर। इस गांव की अगर खास बात बताऊं तो किसी टाइम यहां प्रकृति जॉब करती थी, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने आती थी, तो काफ़ी वक्त लगता था उसको वहां से बुनतर से यहां पहुंचने में, क्या करने यार। और गर्मियों में तो ठीक होता है यहां पे, पर सर्दियों में तो भाई गाड़ियां भी नहीं आती यहां पे। तो अब यहाँ पे चारों तरफ स्नो ही स्नो है, जो कि अभी तक भी गई नहीं है। ये है हमारे भाई साहब पीयूष, और ये डेरिंग काम करके आए, चप्पल में चल पड़े। चलो भाई तू चल आगे, तो फ्रेंड्स क्या कहोगे, बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ, और यहाँ तो यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे दूँ मैं क्यों आया हूँ इतना दूर इस बीहड़ इलाके में। तो उसका रीज़न ये है कि हमने एक चोर पकड़ा है जो हमारा सामान चोरी करके भाग गया था, बस उसको वापस लेने जा रहे हैं अब। लुक एट द व्यू, चले हम वापस घर की ओर, इस खूबसूरत सी वैली को अलविदा, पार्वती वैली को, बिकॉज घर भी पहुंचना है। शिवम
पापा को मिस किया सुबह से शाम? पापा को मिस किया ना? अद्वित और छिपकली देखो यहाँ छुपी हुई है, पापा की चाबी लेके, दो शॉप की चाबी लेके छुप चुका है ये ना। पापा को मिस किया ना? किया ना मिस? हरकतें देखो भाई। और ये दादा की चाबी छुपा रहा है शॉप की और इसने फेंक दी, और कल पक्का सुबह ना दादाजी इसके ढूंढेंगे चाबी। आजा आजा आजा। तो यार वापिस आ चुके हैं हम कसोल से, और जो चोरी वाली बात थी वो बंदा भी पकड़ा नहीं गया। तो एक्चुअली मैं बता देता हूँ क्या हुआ। तो एक्चुअली हमने क्या किया था, मैं और अपना एक दोस्त था, उन्होंने सामान दिया था कुछ क्लाइंट को। तो वो क्लाइंट क्या किया उसने कि वहाँ जो जहाँ हम आज गए थे वहाँ पे सामान छोड़ के खुद भाग गया था। तो बस फिर उसके जहाँ पे उसने रूम किराए पे लिए थे वहाँ गए। अभी देखते हैं एक दो दिन बाद लगेगा पता एग्जैक्टली कि हमारे हाथ क्या लगा, वरना हमारा नुकसान हो जाएगा। हमारे बिना देखो पतली हो गई पूरे दिन में ना। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कहाँ थे आज, मैं लाइव हुआ था दिन को, देखा तूने? नहीं देखा? मम्मी ने देखा ना? देखा हाँ, शिवम ने, मम्मा ने नहीं देखा। तो यहाँ पे अद्वित अब रोटी बना रही है, बहुत बड़ी होगी ना। अद्विका क्या कर रहे हो आप? अच्छा आप अपने दादू दादी के लिए खाना बना रहे हो ना? खाना नहीं है। अरे रोटियां बना रहे हो ना? नहीं, ये मैं खुद के लिए बना रही हूँ। ठीक है बाय प्रकृति, जाओ आप ना, गुड नाइट। गुड नाइट। ले जाए छोटे को। आजा बाय, चल मामा देखना हमने, आजा बाय शिवम। शिवम चलो गुड नाइट कर दो अब, ठीक है बाय। फाइनली इसी के साथ हम घर पहुंच चुके हैं, और बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा आज का शेड्यूल उस स्नो वाले एरिया में जाके। जिस काम के लिए गए थे वो काम तो हुआ नहीं, बिकॉज जो हमारा सामान था वो तो मिला नहीं, बट शायद दो चार दिन में मिल जाएगा, बिकॉज उस बंदे से थोड़ी बात तो हुई है अपनी। होप फॉर द बेस्ट कि मिल जाए। तो बस फ्रेंड्स जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो बहुत दिनों से शिवम हमने बाय नहीं किया है, तो आज बाय भी करेगा। शिवम बाय करो, बाय बाय बाय।